एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जाने रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस साल रमा एकादशी के दिन शुभ योग बनने के कारण इस दिन का महत्व और बढ़ रहा है। इस दिन सुबह से शुक्ल योग रहेगा, जो कि शाम 5:46 तक रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। रमा एकादशी कब से कब तक? एकादशी तिथि प्रारंभ अक्टूबर 20, 2022 को 4:04 PM से और एकादशी तिथि समाप्त अक्टूबर 21, 2022 को 5:22 PM। रमा एकादशी 2022 व्रत पारण का समय। पारण अर्थात व्रत तोड़ने का समय 6:26 AM से 8:42 AM। क्या एकादशी तिथि के प्रारंभ होने पर व्रत का पालन शुरू करना चाहिए? एकादशी तिथि के प्रारंभ होने पर व्रत का पालन नहीं शुरू किया जाता है। एकादशी व्रत के लिए तिथि के प्रारंभ समय की आवश्यकता नहीं होती है। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन 24 घंटे के लिए किया जाता है, यानी सूर्योदय के समय से अगले सूर्योदय तक। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी व्रत पूजा सामग्री लिस्ट। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। रमा एकादशी व्रत के लाभ। यह व्रत संतान, सुख, समृद्धि, धन की कामना रखने वाले मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के सारे अभाव दूर हो जाते हैं। अनजाने में किए गए पापों का क्षय होता है। अनजाने में किए गोहत्या, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत रखें तो पारिवारिक सुख सौहार्द्र बना रहता है। उत्तम वाहन संपत्ति सुख प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। दशमी तिथि के सायंकाल से ही एकादशी तिथि शुरू हो जाती है, इसलिए शाम को भी निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है। इसकी विधि इस तरह है। सूर्योदय से पूर्व उठकर नहा धोकर एकादशी व्रत का संकल्प करें और ईश्वर का स्मरण करें। इस दिन निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। व्रत समाप्त करने के समय को पारण कहते हैं। यह अगले दिन द्वादशी की तिथि को होता है। जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, उन्हें इस दिन चावल और उससे बने खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा के सही मुहूर्त में भगवान विष्णु को फूल फल से भोग लगाकर पूजा अर्चना करें। विष्णु जी को तुलसी प्रिय होती है, अतः उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाएं। पूजा कार्य संपन्न होने के पश्चात आरती और प्रसाद वितरित करें। इस तरह विधि विधान के अनुसार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है तथा जीवन में सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य फल मिलता है। रमा एकादशी व्रत का महत्व।
धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा सभी पापों से मानव को मुक्त करने वाली पावन रमा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताते हैं। जो मनुष्य साल भर आने वाली एकादशी तिथि के व्रत धारण नहीं कर पाता है, वो महज इस एकादशी का व्रत रखने से ही जीवन की दुर्बलता और पापों से मुक्ति पाकर आनंदित जीवन जीने लगता है। पद्म पुराण वर्णित इसके महत्व के बारे में बताया गया है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसके समतुल्य फल रमा एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली और कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत रखने से धन धान्य की कमी भी दूर हो जाती है। रमा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचुकंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया, तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वो इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन न करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वो वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वो ब्रह्महत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलिए श्री हरि की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विभूषुतरान्नवनेरदाभाम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूरणिङ्गसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाई, बांके बिहारी तेरी आरती गाई, हे गिरिधर तेरी आरती गाई, हे गिरिधर तेरी आरती गाई।
प्यारे साथ